अस्सलाम वालेकुम। द नेम इज बिकुर रहमान एंड आई वर्क एज अ न्यू मीडिया स्पेशलिस्ट एट डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर। डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर में हमने एक नया टीम इंट्रोड्यूस करवाया। सिक्स यूनिट्स पे वो बेसिकली मुश्तमिल है, जिसमें हमारे पास तीन लोग हैं रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, जो रिसर्च करेंगे हमारे जितने भी कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं केपी के वो। इसके अलावा हमारे पास सेकेंड टीम है आर्ट्स क्राफ्ट एंड डिज़ाइन के, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग आर्ट्स क्राफ्ट एंड डिज़ाइन हैं विद इन केपी उसको हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे और उसमें इनोवेशन दे के ग्लोबली उसको मार्केट करेंगे। मार्केट करने के लिए और फाइनेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप बनाने के लिए हमारे पास इसकी कोर टीम है क्रिएटिव इकोनॉमी एंड कल्चर इंडस्ट्री के नाम से। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास फोर्थ जो टीम है दैट इज आईटी टीम, जिसमें हमारे पास इमाम साहब भी हैं जो आईटी से रिलेटेड जितना भी सपोर्ट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। आई एम सॉरी इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल कंफ्यूज आइडिया, लेकिन मैं वो साथ साथ बता के आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ, इट वोंट मच टाइम, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी टीम है दैट इज न्यू मीडिया, जिसमें हम लोग हैं, मैं हूँ और एक मेरा पार्टनर है। न्यू मीडिया बेसिकली इन कामों को जो यहाँ पे बन रहे हैं सारे उनको एक्सपोज करते हैं, ग्लोबली उसको डिसिमिनेट करते हैं। इसके अलावा भी हमारे टी ओ आर में बड़े सारे काम हैं, लेकिन आज जो हमने बात करनी है दैट इज स्पेसिफिकली अबाउट कल्चरल गेम्स। अच्छा, तो मैं स्टार्ट करूँगा उससे, फूड से। आई गेस हमारे जितने भी ये फ्रेंड्स हैं फूड तकरीबन हर एक बंदे को अच्छा लगता है, वो ट्राई भी करता है कि यार डिफरेंट टेस्ट, अपने टेस्ट बस को ट्राई करें डिफरेंट। अच्छा, फूड के हवाले से आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो अबाउट केएफसी? रेज योर हैंड। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी नोस केएफसी। लाइक केएफसी वाज एक बंदा था केंटकी में, 12 डिफरेंट स्पाइसेस उठा के उन्होंने चिकन फ्राई कर लिया, और आज देखिए पिशावर में भी केएफसी को जानते हैं सारे। हमारे यहाँ के जो चपली कबाब हैं वो यूएस में कहाँ था लोग पहचानते हैं? मैं 4 साल यूएस में रह चुका हूँ, यकीन करें वहाँ पे एक सिंगल छोटा सा आपको वो क्या कहते हैं होटल भी नहीं मिलेगा जिसमें आपको ये चपली कबाब और ये साग और इस तरह की चीजें मिलेंगी। काइंड ऑफ एन एम्बैरेसिंग स्टेटमेंट यार, हमारी जो कल्चर इतनी अच्छी मजे की जर्मन चीजें हैं ग्लोबली एक्सपोजर नहीं होंगे। अच्छा, गेम्स की तरफ आते हैं, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस नो अबाउट एंग्री बर्ड्स? एवरीबॉडी नोज इट। क्या कहते हैं कैसी गेम है? अमेजिंग है, नाइस है, हर बंदा खेल सकता है। लेकिन अच्छा, मेरे पास अल्टरनेटिव्स हैं, कोई 5-6 अल्टरनेटिव्स हैं जो एंग्री बर्ड्स से अच्छे आइडियाज हैं, तो हाउ अबाउट डेवलपिंग देम और फिर उसके बाद उसको हम सेल आउट करें। आप मेरे ख्याल से सारे 7th सेमेस्टर के लोग हैं, यू गाइस आर अबाउट टू सबमिट अ प्रोजेक्ट प्रपोजल। अच्छा, प्रोजेक्ट प्रपोजल से याद आया, बेसिकली आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी और मैंने ग्रेजुएशन आईटी में किया है, पीएससीएस किया है मैंने, उसके बाद फिर मास्टर्स के लिए आई वेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जहाँ से मैंने डिज़ाइन भी किया। अच्छा, जब हमारी बारी आई थी प्रपोजल की, प्रोजेक्ट प्रपोजल जब हम दे रहे थे, आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग गेम्स और इस तरह की चीज़ों में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था, बट अनलकीली यहाँ पे हम ये चीज़ भी कहते हैं कि हमारे पास ना रिसोर्स है ना कोई है जो हमें प्रॉपरली गाइड करें, एंड दिस इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। लेकिन हमारे जो प्रोफेसर थे, जो हमारे सुपरवाइजर थे, उन्होंने कहा कि बेटा आप ये तो कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने फिर जॉब के लिए ना फॉर होता था। मैंने कहा सर कैसे? वन ऑफ प्रोजेक्ट, टोटली डिफरेंट स्टोरी है, आर यू गोइंग फॉर दिस? तुम गेम्स में इंटरेस्टेड हो? इंटरेस्ट है तो है, क्या करूं? तो मुझे कहते हैं कि आप इसको छोड़ दें। मैंने कहा छोड़ दो। फिर मैंने ये किया कि ऑनलाइन जिस तरह ऑडिशन तरीका है, ट्यूटोरियल्स और ये वो आगे पीछे, जिस प्रोफेसर के पास जाओ उसके पास कोई डेटा नहीं है क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे है नहीं, ना कोई इंस्टीट्यूशन है। कराची में मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन मिल गई अरीना पाकिस्तान के नाम से, उनके पास गया तो उन लोगों ने वो जो वेरी सॉरी टू से बट 78,000 में उन्होंने जो मुझे पढ़ाया वो ऑनलाइन एक सिंगल ट्यूटोरियल से मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी ऑलरेडी, तो फिर भी मुझे कोई चीज़ें उसमें नहीं मिली। द बॉटम लाइन इज कि मुझे फिर जाना पड़ा यूएस अपनी वो थर्स्ट की वो चीज़ गेन करने के लिए। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि हमारी कल्चरल गेम्स जितनी भी हैं, जिस तरह मैंने आपको फूड का एक रेफरेंस दे दिया,
हमारे फूड को कोई नहीं जानता, हालांकि दिस इज द जर्मन फूड। दूसरी बात है काफी इंटरेस्टिंग भी है, काफी टेस्टी भी है, हम लोकल डेलिकेसीज ऐसा ही है ना। हमारे कल्चरल गेम जो है, आप में से एनीबॉडी फ्रॉम सवाबी और मर्दान, आप गेम जानते होंगे? एंग्री बर्ड तो दैट वाज अ फेक आईडिया उन्होंने ले लिया और ठीक है बन गई। हमारे पीछे तो स्टोरी है, वी हैव अ कल्चरल स्टोरी, वी हैव अ हिस्ट्री अटैच्ड टू दिस वेरी स्पेसिफिक गेम। महा अगर हम बनाएंगे तो उसके साथ हम अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री को प्रिजर्व कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज ही सेल होती हैं। गुची को देखें, ठीक है, ये टॉम फोर्ड के जो मैंने चश्मा पहना हुआ है, ये देखें, ये एक्चुअल स्टफ को कोई नहीं परचेज करता होता, पीछे जो स्टोरी होती है लोग वो बाय करते हैं, बिकॉज दी स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग ना, ऐसा ही होता है। अच्छा, गेम्स की तरफ आते हैं, जो हमने प्लान किया हुआ डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर लास्ट टाइम हमारी टाइम साइंसेस से एक प्रॉपर डिटेल प्रेजेंटेशन मीटिंग और सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ऐसा फॉलो अप मीटिंग, उसके बाद हमारे डिफरेंट यूनिट्स अलग अलग करके आएंगे और डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। गेम्स के हवाले से अब इसमें आपको मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्निकल जो भी आपको कंसल्टेंसी चाहिए होगी, जो टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए होगा, वो डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर आपको प्रोवाइड करेगा। Obviously you guys are not from design, तो आपको animation का इतना नहीं पता होगा, आपको graphics का इतना नहीं पता होगा, जो आप support हम आपको provide करेंगे। All you have to do is programming, जो कि programming games basically होता क्या है, this then this, f this then this, यही सारी segments होती हैं। लेकिन वो जो इसके cultural aspects हैं, इसके जो researches हैं, वो भी हमारे R&D unit जो है वो आपको provide कर देगा। अब आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि हमारे साथ मिलके कोई एक सिंगल गेम पकड़ लेनी है, मे बी अ कपल ऑफ गाइस या चार पांच बंदों की ग्रुप जो एक गेम को उठा के प्रॉपरली डेवलप कर दे इसमें। अच्छा, आप में से एंड्रॉइड से रिलेटेड कितने लोग हैं जो एंड्रॉइड में काम कर रहे हैं या कर रहे हैं? काफी है। और iOS से कहानी होगी। अच्छा, इसके अलावा जो तरीकेकार होगा, मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर आपके लिए 24/7 खुला रहेगा, जिस बंदे ने जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए वहाँ पे आके हमसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा नाम, ये जो डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर न्यू मीडिया टीम है, उनको एज अ एक्सटर्नल सुपरवाइजर रख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के, उसके लिए हम आपको प्रपोजल में हेल्प कर सकते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है और इसमें काम करना चाहते हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस वी विल गेट अ लिस्ट, और इंशाल्लाह हम इस पे काम शुरू कर देंगे। एक्चुअली वो टेक्निकल डिटेल्स जो है वो आप सारी आपने खुद चूज करनी है। yes. तो आप देखिए जो भी चीज आप करते हो तो उसमें बैक एंड फोर्थ रिसर्च जरूर इन्वॉल्व होता है। द आइडिया इज, अब यहाँ पे देखिए आई एम साइंस में आपको गेम बनाना किसी ने नहीं सिखाया होता ना, ही इनका जॉनर है, लेकिन इनके में डेट भी नहीं आता। सिमिलरली हमारे पास भी यही कहानी है, तो हमने मिल के कुछ आपका इनपुट, कुछ हमारा इनपुट, एक चीज बनेगी जो टोटली आप ऑन करेंगे, आपकी तरफ से होगा, आपकी क्रेडिट्स आपको जाएंगे। और हमारा मैंडेट भी ये है कि हम एंटरप्रेन्योर्स बनाए, वजह अभी गेम बनाने के लिए कहानी आ जाए तो डायरेक्टरेट ऑफ कल्चर कुछ फंड वगैरह देखे इस नाम वाले, या फिर सॉफ्टवेयर इस तरह कोई उठा ले, सॉफ्टवेयर हाउस वहाँ पर हमारी गेम्स बन के दो आ जाएंगी। लेकिन हमने यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बनाना है, हमने यहाँ पे लोगों को, जिस तरह मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि बेटा आपने पार हो जाना है जॉब के लिए, ये कहानी के साथ भी होनी है। लेकिन आपका एक सक्सेसफुल गेम अगर मार्केट में
आ जाता है, द नेक्स्ट थिंग यू आर कंपनी, यू आर एन एंटरप्राइज, ठीक है, और उसके बाद आप उसके बनाते जाए वर्जन 3, 4, 5, ठीक है। ये बेसिक कहानी है, अगर इसके कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो आप विद इन सेमेस्टर आपने अपना गेम डेवलप करना है। जिसमे हमारे पास दो प्रोफेशनल्स हैं, एनसीए के एक हमारे माजिद साहब हैं और एक एहसन सेब साहब, इसके अलावा एक और भी है जो हमारे पेंटर भी हैं, स्कल्पर भी हैं, उनके आर्ट का आपको कोई मसला नहीं होगा, आर्ट और ग्राफिक्स जो होगी ना उसका आपको कोई मसला नहीं होगा। आपको जिस तरह की भी वो स्टोरी बुक बोर्ड के लिए आप भी कैरेक्टर के लिए चाहिए होगा, उसके जो प्रॉप्स हैं उसके लिए चाहिए होगा, उसकी भी बैकग्राउंड, वो सारी चीज़ें जी। सर जिस तरह उमर ने कहा कि अगर हम असाइड फ्रॉम द एफर्ट कि हम लोग आप साथ प्रोजेक्ट ले लेते हैं सर, तो आप कह रहे हैं दस मिनट गड़, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारे पास कितना होगा इसमें, क्योंकि हमें एफआईपी भी काम करना होगा और इससे भी काम करना होगा सर। तो फिर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे करें, आपका एफआईपी फाइनल हो, फाइनल प्रोजेक्ट को भी ले लें, इसमें मेरे ख्याल से ज्यादा सूट करेगा। देखें द इंटरेस्ट इज म्यूचुअल, इट्स अ वेंचर ऑफ आई एम साइंसेस एंड डायरेक्टेड कंस्ट्रक्शन, दोनों का एक साथ का वेंचर है, तो आप इसमें अगर थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट आएंगे एफआई अच्छा उसके थ्रू आएंगे तो ज्यादा सूट करेगा, आपका अपना डिग्री वाला प्रोजेक्ट भी हो जाएगा, और द बेस्ट पार्ट जब आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे अपना सीवी लेके, हम नॉट श्योर कि आप किसी जॉब के लिए जाएंगे, आपका अपना इंशाल्लाह एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएगी, खुद का बिजनेस होगा, लेकिन अगर आप जाते हैं तो आपके पास एक माइलस्टोन पड़ा होगा, हम ये चीज कर चुके हैं, अचीवमेंट आपके पास पड़ी होगी जी। सर डैम जी जी, इसके अलावा ये भी हो सकता है अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई ऐप बनाना चाहते हैं, मे बी लाइक अब हमारे न्यू मीडिया के जॉनर्स में मैंडेट्स में एक चीज और भी है, हमने ऑडियो विजुअल आर्काइव बनाना है, जिसमें इंटायर केपी के जितनी भी वीडियोस और ऑडियोस हैं, ब्रॉडकास्ट डेटा है, इसके अलावा कल्चर से रिलेटेड जो भी स्टफ पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडियो और वीडियो या फिर यू नो एन इमेज, वो हमने सारा कलेक्ट करके एक सर्वर के ऊपर रखना है जो हमने ग्लोबली डिसिमिनेट करना है, जस्ट टू लेट देम नो यार हम केबी के लोग हैं, वी डोंट ओनली नो द बॉम्ब्स ना, हम इस चीज के बारे में नहीं, वी हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ द सॉफ्ट इमेज भी है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गेम्स और आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा सही है, दूसरी बात है कि गवर्नमेंट में तो आपको पता ही होगा गवर्नमेंट के कैसे रूल्स होते हैं, उनका काम किस किस तरह चलता होता है, तो वी हैव बीन अप्रूव कि आप कल्चर गेम्स बना लेते हैं टाइम में, इसके अलावा कुछ आपके पास आइडियाज हैं तो कोई आप ऐप बनाना चाहते हो, आप कोई सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन चलाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो मुझ पर, लेकिन सिंस यू गाइस आर रिलेटेड टू आईटी और दूसरी बात है कि आप प्रोग्रामिंग से भी एंड्रॉइड में मैंने देखे कम से कम 30 मेरे ख्याल से 17-18 लोग तो यहाँ पे मौजूद हैं, और आपका 7th सेमेस्टर भी है, तो आई कैन थिंक के इट्स अ विन विन सिचुएशन कि आपका प्रोजेक्ट भी हो जाएगा और दूसरी बात ये कि हमें गेम भी मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से बता दूँ तो कि ये प्रॉपर्टी आपकी ही होगी, कल आप गूगल सॉरी प्ले स्टोर पर या कहीं पर आप इसको सेल आउट करना चाहते हैं तो ओनली सॉरी आपकी प्रॉपर्टी, तो उस पर हम आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं आप इसलिए हम करेंगे। So, do we have any more questions? I want to say something. Jee, ma'am. I'm teaching them entrepreneurship. This is basically entrepreneurship. So I've given this in this project also that they have come up with an idea related to the IT. And I told them it has to be related with something. You know, it can be a software or it can be something we are talking about the game or something like this or that. So we can actually focus the attention easy ki tarah. और ऑल ऑफ यू कम अप विद वन आईडिया एक ग्रुप होगा भाई, तो हर एक बंदा अपनी ग्रुप एक गेम की आईडिया सोच ले, लुक्स लाइक आई विल लक एंड एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास होगी फिर भी दिस इज बाय चांस आई थॉट सर एज दिस इज बाय चांस ओके दिस इज गुड एंड वी हैव वन हाउ मेनी ग्रुप्स इन द क्लास
एक चीज मैं आपको अभी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अनलकी आई डोंट हैव द हाउस। एक गेम हमारे यहाँ खेली जाती थी, बेसिकली आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट स्वाबी। डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में एक गेम थी जिसे हम कहते थे लंगड़ी। द गेम वाज मोर लाइक ये जो आपका नॉर्मल लूडो होता है, तो इसी तरह का आप एक स्क्वायर बना देते थे, लेकिन इस तरह था वो ऐसे करके। यहाँ पे आपके वो जो सोल्जर्स होते थे वो पड़े रहते थे, और आपके पास ये एक तो बेम्बू होता है ना, वो जिसे बांस कहते हैं, एक तो दूसरा वाला होता है जो अंदर से फील्ड होता है, कान कहते हैं उसे। उसके दो टुकड़े लेके तो आप उसको बीच में से काट देते थे, तो आपके पास चार आ जाते थे। तो कान या फिर बेम्बू को अगर आप देखें तो उसका एक साइड जो होता है वो थोड़ा गोल्डन सा येलो कलर का होता है। ठीक है नहीं यार, अब दूसरा वो जो आप ये बेम्बू को बीच से काट देते हैं तो अंदर कहिएगा जो व्हाइट होता है। तो आइडिया वो कि आपके पास फोर डिफरेंट पीसेज है उस बेम्बू के। अब ऐसे फेंकते थे जो उसमें व्हाइट कलर आ जाते थे, उसको उसकी अलग स्कोरिंग थी, इस तरह उसका एक पूरा सिस्टम था। अब कैसे करते थे, अब यहाँ से आपको आना होता था ऐसे करके और दबे तुम्हारे स्टोन यहाँ पे आपको गोल तक आना होता था। तो आप कैसे मेजर करते थे, वो ऐसे करके मेजर होता था, या ऐसे करके मेजर होता था, या ऐसे करके मेजर होता था। अब देखिए इसमें हमारी वो जो कल्चरल ब्यूटी है वो इन्वॉल्व है। अब ये चीज वैनिश हो के तो इट ट्रांसफॉर्म्ड इन लूडो। गेम हमारी है, ओरिजिनलिटी को देखिए, इसके पीछे जो स्टोरी वो हमारी है, लेकिन ये नहीं अवेलेबल और लूडो अवेलेबल। इट्स काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट ना। तो हम चाहते हैं कि ये जो इंडिजिनस गेम्स हैं ये भी सामने आए। और दूसरी बात ये कि आपको एक प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप का मौका भी मिले। क्या जी क्रिएटिव इकोनॉमी, एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज, ये हमारे पूरे यूनिट है जिन्हें करना क्या है, जिन्होंने इन्हीं गेम्स के लिए आपको पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फिर उसके बाद उसको सेल आउट कैसे करना है, इनके टारगेट लोग क्या, प्रॉपरली आपके आइडिया को इनको सेल आउट करने का काम मिलता है, या आपको रेडीमेड बिजनेस प्लान बना के देंगे अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। यार आपने ये चीज बना ली है, ये आपका बिजनेस प्लान है। इस तरफ आप ऐसे करके जाओगे तो इट विल बी अ विन सिचुएशन, आपको लॉस नहीं होगा। तो उसके लिए है हमारे लेकिन जो आपको प्रॉपरली अभी हम आजकल कर रहे हैं, लकीली मैं वो इन्विटेशन लाया नहीं हूँ, मैं आपको दिखा देता। अब गॉड मेटल के नाम से यहाँ से कुछ लोग हैं जो मेटल में काम कर रहे होते हैं, ब्रास और इस तरह की चीजों में। फ्रॉम उनको भी हाफ सेंचुरी हो गई है, 40-50 साल हो गई ये काम कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट हैव द एक्सपोजर दे मस्ट हैव। उसके लिए हम बिजनेस प्लान बनाए वो यहाँ से लेकर यहाँ हो गए। तो ये कहानियाँ ईजी हैं, इतना मुश्किल नहीं है उसमें। क्रिएटिव इकोनॉमी हमारी टीम जो आपको प्रॉपर बिजनेस प्लान प्रोवाइड करेगी, जिससे आपको प्रोडक्ट भी सेल आउट होगा और प्रॉफिट भी होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन जी? सर वन थिंग दैट आई एम कॉज इज काइंड ऑफ स्टूपिड बट आई हैव टू आस्क। अच्छा इसके मैं बात की बात बताता हूं, चाइनीज कैसे चाइनीज हमें तो बिल्कुल नहीं पसंद है, कि दे आर काइंड ऑफ इंडियन पीपल, ओके इट्स बेटर टू बी अ फूल फॉर 5 मिनट्स देन टू बी अ फूल फॉर लाइफ। सो शूट
What's in it for the cultural department? हमें क्या मिलेगा? Yeah. मैं कुछ नहीं मिलेगा. रिलेटेड ऑफ कल्चर में सिंपल सी बात है, इट्स अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ पब्लिक ऑफिस. तो यहाँ पे मिलने वाली कहानी नहीं है. आप सक्सेसफुल को ये गेम क्रिएट करके एंटरप्रेन्योरशिप गेन कर ला, दैट इज आवर गोल. ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में है. हमने आप लोगों के लिए काम कर लिया. ये जो ऑफिस है हमारा रिलेटेड ऑफ कल्चर का, हम एम्प्लॉइज हैं बेसिकली. ये जो एरिया है, जो लिएजॉन ऑफिस होगा, आपके लिए होगा. आप लोगों ने आगे जाके तो अपनी फील्ड्स में आगे जाना है. अब मुझे देख ले, मैं आपको बताता हूँ आईडी से रिलेटेड. मैंने आपको कहा मैं जब ग्रेजुएशन हो गई, मैं सॉरी टू से बस कुछ भी नहीं था, बस कुछ आइडिया नहीं था कि मैंने क्या करना है. आई वाज वेटिंग फॉर लाइक, आजकल तो होता है ये गवर्नमेंट में बीपीएस 12 मिलता है मेरे ख्याल से, कंप्यूटर ऑपरेटर को. अभी 16 ग्रेड हो गया, 16 हो गया. हां तो कंप्यूटर ऑपरेटर 16 अब कुछ सोच रहे यार, मैंने एक बाबू तो नहीं बनना. तो एक ऐसी चीज करनी है जो डिफरेंट हो. और आईटी और टेक्नोलॉजी का जब भी मैं सोचता था तो मैं साइंस उस तरफ चला जाता था. लेकिन बेसिकली यकीन करें, आईटी और टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ टेक्निक. जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है वो अलग है, इट्स जस्ट हेल्प यू. ये एक्चुअली खुद कुछ नहीं है जब इसके पास कोई कॉन्टेक्स्ट ना हो. अभी ये कल्चरल गेम्स का आइडिया ले लें, अगर मेरे पास कल्चरल गेम का आइडिया नहीं है तो मैंने एंड्रॉइड क्या करना है, मोबाइल में क्या करना है, तो टूल्स जो यूज होती हैं इसमें, प्रोग्रामिंग का मैंने क्या करना है. तो बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट को उठा के आप लोग आराम से अपने लिए कोई एंटरप्रेन्योरशिप बना सकते हो. अपने नाम से कोई भी कंपनी ओपन कर लें. इंडियंस को देखें, हमारे ख्याल से कोई 18 साल हमसे आगे हैं वो लोग. और आजकल जब उनको कोई सॉफ्टवेयर बनता है या कोई चीज बनती है तो पेन टेस्टिंग के लिए वो भेज देते हैं इंडिया. इफ दे कैन हैक इट, ठीक है तो ठीक है यार. हाँ, ये हैक यहाँ पे नहीं हुआ तो मतलब ये उससे इसको फिर आयरनियन भी नहीं कर सकते, रशियन भी नहीं कर सकते. तो ये कहानी है. तो रिलेटेड ऑफ कल्चर के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये है कि हमारे पास आप लोगों की हेल्प से जितना भी ये हमारे गेम्स है वो प्रॉपरली दुनिया को मिल जाएंगे, ग्लोबली एक्सपोज हो जाएंगे. हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ बॉम्ब्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये रेडनेक्स नहीं रहते, यहाँ पे ये चीजें भी हैं. लोग आ भी सकते हैं, उनको हम प्रॉपरली ये सारा भी कर सकते हैं. तो हाउ डू आई गेट द लिस्ट सर? आई कैन गेट योर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल